फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इजी कोड्स पर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इनपुट टाइप डेट एंड टाइम का कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ऑन कर लेता हूँ। आपने देखा होगा कई सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में ये लिखा रहता है कि आप किस समय फ्री हैं, कोई स्लॉट आपको चूज़ करना हो तो कैसे करते हैं, हम वो देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। सिंपल करता हूँ मैं कॉपी फाइल पाथ, देन ये लास्ट का है मेरा, इसको फिर से रन करता हूँ मैं। ठीक है, मैंने रन किया, इतना हुआ। ये मेरी रेडियो बटन, किसी एक को हम क्लिक कर सकते थे, देन यहाँ सिलेक्ट ऑल भी कर सकते थे, मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते थे। क्लिक मी पे हम क्लिक करने के बाद अलर्ट बॉक्स, ये बटन क्रिएट की थी हमने। देन उसके बाद हमने कलर पिकर क्रिएट किया था, हम यहाँ से कलर चूज़ कर सकते थे। ठीक है, मैंने ये कर लिया। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाता है ये। देन अब इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें हम डेट एंड टाइम इनपुट का कैसे यूज़ करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट किया है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ इनपुट टाइप डेट एंड टाइम। ओके, ये तो मैं कमेंट में लिख रहा हूँ। देन इसके बाद मेरे को किस लिए लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया BIR बर्थडे के लिए। ठीक है, बर्थडे के लिए। हाँ, अब इसके बाद मैंने यहाँ भी लिख दिया बर्थडे। बहुत सिंपल है। अब मेरे को यहाँ पर जो टाइप देना पड़ेगा वो डेट, बिकॉज मैं डेट चूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ID लिखूँगा, यहाँ पर मैं नेम लिखूँगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर मैं BR टैग लगा देता हूँ, बिकॉज मेरे को सेकंड लाइन में चाहिए। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, तो ये देखिए बिल्कुल बॉटम में आपको दिख रहा होगा, तो डेट मंथ एंड ईयर। ओके, तो इसमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी। मैंने आज की डेट सिलेक्ट की, तो ये देखिए आज की डेट डल गई। ये मैंने यहाँ 10 सिलेक्ट किया, तो 10 मंथ हो गया। और इसके अलावा यहाँ पर हम यहाँ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, तो ये देखिए यहाँ 2 हो गया। बहुत सिंपल है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, इससे हम चेक कर सकते हैं हमारा बर्थ डेट, हम डाल सकते हैं कोई सी भी डेट हमें डालनी हो। मैंने 31 डाली, 31 डाल दी अपने, बहुत आसानी से हो जाता है। कई ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते हैं इसको, ठीक है, तो ध्यान रखें। अब मैं एक लेवल क्रिएट करता हूँ टाइम के लिए। ठीक है, टाइम के लिए मैं लेवल क्रिएट करता हूँ, तो लेवल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ सिंपल लिख देता हूँ टाइम, देन यहाँ भी टाइम लिख देता हूँ TIM टाइम, देन यहाँ भी टाइम लिख देता हूँ TIM, सब जगह मैं टाइम लिख रहा हूँ TIM टाइम, और यहाँ भी टाइम लिख देता हूँ TIM टाइम। बहुत सिंपल है। एक बार अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कैसा शो हो रहा है। ये ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता रहे जब भी आपको करना है। मैंने यहाँ पर पहले मेरे को R डालने पड़ेंगे, तो मैंने 3 डाल दिया, देन ऑटोमेटिक 6 हो गया है, बट मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर 9 कर दिया। देन PM को चेंज करना है AM में, तो PM पे क्लिक किया, देन उसके बाद AM पे क्लिक कर दिया। AM से PM करना है, तो PM पे क्लिक कर दिया। बहुत सिंपल है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ आपको, मैक्स डेट एंड मिन डेट देखते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिंपल इसको 2 टाइम्स पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ MAX डेट, सॉरी मैंने कमेंट करना नहीं, मैक्स डेट। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ मैं मेन डेट। बहुत सिंपल है, सिंपल इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, मेन करना है मेरे को ओनली। ये मैंने मेन कर दिया यहाँ, बहुत सिंपल है।
अब इसके बाद मेरे को यहाँ लेवल में, यहाँ पर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। लेवल में मैं यहाँ पर लिखूँगा डेट ही लिखना पड़ेगा, कि बिकॉज मैं डेट क्लिक कर रहा हूँ। और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन डेट, यहाँ पर मैक्स डेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं लिख देता हूँ इंटर आ डेट बिफोर, बिफोर मतलब पहले 1980, और यहाँ 01 फर्स्ट मंथ एंड फर्स्ट, ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना मैंने किया। देन उसके बाद इनपुट टाइप में मेरे को टाइम की जगह डेट करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने डेट का यूज़ किया है। देन यहाँ पर भी मेरे को डेट का यूज़ करना पड़ेगा, और नेम भी मेरे को डेट यूज़ करना पड़ेगा। नेम में डेट यूज़ कर सकता हूँ, डेट पर नहीं करूँगा क्योंकि मैं मैक्स डेट मैक्स के लिए कर रहा हूँ, तो मैं डेट मैक्स कर लेता हूँ। देन बट इसमें अपन मैक्स डेट चूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर सिंपल लिखना पड़ेगा मैक्स, मैक्स हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, 1979 से, इससे पहले की, मतलब 1980 से पहले की, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, तो यहाँ 31, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसके बाद मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, यहाँ भी डेट डालना पड़ेगा मुझे, डेट यहाँ पर डाल देता हूँ मैं इंटर इंटर डेट, इंटर डेट बिफोर, बिफोर की जगह अब मेरे को आफ्टर लिखना पड़ेगा, आफ्टर 2001, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर मैंने, यहाँ पर इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मेन डेट, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आप इसको ना भी करें तो भी चल जाएगा, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, पता रहना चाहिए। डेट में, सॉरी डेट में लिखना था मुझे, मैंने डेट में लिख दिया। देन इसके बाद यहाँ डेट लिख दिया, और आईडी भी ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ मेन, ठीक है, मेन को भी मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ से स्टार्ट करना है। देन मैंने 2000 लिखा, देन फर्स्ट मंथ और सेकंड तारीख, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता। सबसे पहले बी आर टेक का यूज़ कर लेता हूँ मैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ क्या होता देखते हैं। ओके, तो मैंने लेवल पहले क्रिएट किया है, तो लेवल के लिए वो पहले आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। तो मेरे को पहले इसमें मेरे को बी आर टेक नहीं लगाना होगा, ठीक है, यहाँ बी आर टेक नहीं लगेगा, यहाँ भी बी आर टेक नहीं लगेगा, ठीक है, अब ट्राई करके देखते हैं क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पर टाइम, टाइम की जगह मैंने कहीं गलती की है, ये ठीक है, ध्यान रखें हमेशा कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तो मेरे को बी आर टेक लगाना ही पड़ेगा, मेरे को दूसरी लाइन में चाहिए बिकॉज, ठीक है, तो ऐसा आ गया, और ये भी दूसरी लाइन में चाहिए, तो उसको भी मैं कर लेता हूँ, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, सिंपल है, यहाँ बी आर टेक लगाना था मुझे, ठीक है, तो ऐसा दिख रहा है। मैं एक बार इसको जूम आउट करके देता हूँ, ठीक है, इसमें देखिए आपको इससे ऊपर का हमें चूज़ करना है, इस मतलब 1979 से करना होगा हमें, और इससे नीचे तक का ही करना है बस। तो ये देखिए मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ, यहाँ पर चेंज करता हूँ, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, इससे नीचे नहीं आ रहा, 1979 से नीचे नहीं आ रहा, तो हमने इस पर क्लिक किया, मैं क्लिक किया एंड डेट क्लिक कर दी, तो हो गया। और देन इसमें, इसमें हमें इससे, इससे हमें इससे नीचे कर सकते हैं, लाइक इससे हम 27 अक्टूबर टुडे का डाल देता हूँ, वो भी सही है, ठीक है। तो ऐसे हम स्लॉट चेंज कर सकते हैं, तो स्लॉट के लिए हमें सिंपल यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिलेक्ट योर स्लॉट, सिंपल है, बहुत सिंपल है, यहाँ पर हमें सिलेक्ट योर स्लॉट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दिए गए तो मैसेज है, तो हम लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब मैं इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि हम ईमेल का कैसे क्रिएट करते हैं, ईमेल इनपुट, ईमेल टाइप जो है उसको कैसे क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद मैं बताऊंगा कि फ़ाइल हम कैसे ले सकते हैं,
हमारे कंप्यूटर से। ओके, बाय बाय, टेक केयर।